पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे पता लगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जाए। पिकासो ने एक बार कोई चित्र बनाया और उस चित्र का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, तो किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि इस चित्र को बनाने का पर्पस क्या है, किस संदर्भ में आपने इस चित्र को बनाया, एक्सप्लेन कीजिए मुझे ये चित्र। तो पिकासो ने बोला, जो फूल खिलता है तुम उससे नहीं पूछते कि तुम क्यों खिले हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। ये पहाड़, ये नदियाँ बहती हैं, इनसे नहीं पूछते कि क्या उद्देश्य है तुम्हारा। जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, जीवन का केवल पूर्णतः इसको जीना ही उद्देश्य है। और ध्यान रखना इस बात का कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जीवन को पूर्ण तरीके से जीना, आनंद में जीना उद्देश्य है, का मतलब ये नहीं है कि अब आनंद में जीने के लिए आप एफर्ट शुरू कर दो। नहीं, जब कभी भी आप कुछ भी करो, साक्षी भाव से करो, पूर्ण होश से करो और उसको जी कर करो, उसको बहुत अच्छे से अपने मन में उतार कर करो, तो जो कुछ भी आप करोगे वो हर चीज़ आपको आनंद देगी। चाहे कुछ ना करना भी आनंद ही है। और मैं आपको बता देता हूँ एक बात जो कि बहुत कॉमन है, हर कोई जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। कुछ ना कुछ करना बहुत ही आसान है, कुछ ना करना और इस भाव में स्थित रहना कि मेरा जीवन मुझे स्वीकृत है, वो जैसा भी है, वो अच्छा है या बुरा है, ये केवल दृष्टिकोण है दूसरों के। परमात्मा ने मुझे जैसा पैदा किया है मैं वैसा ही स्वीकृत हूँ अपने आप को, ये भाव लाना वास्तविकता में सबसे डिफ़िकल्ट बात है। तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व किया जाए, ये एक मिस्ट्री है जिसको जिया जाए और पूर्णतः जिया जाए, हर क्षण को पूरे के पूरे आनंद के साथ जिया जाए। क्योंकि आजकल के जीवन में आप देखोगे ना तो 70 साल 75 ईयर्स, इससे ज़्यादा आप जी नहीं सकते स्वस्थ तरीके से। और स्वस्थ क्यों जीना है, ताकि एक क्षण को भी आप पूर्णतः जी सको, आपको अपनी देह का बोध ना हो, देह का बोध ना हो। ये गौतम बुद्ध की लाइन है कि बोध तभी नहीं होता जब कोई कष्ट नहीं होता शारीरिक रूप से। तो स्वस्थ व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए उसको अपने शरीर का बोध नहीं होता, ये तरीका है कहने का। तो जब आप इस तरीके से अपने जीवन को जियोगे तो पूरा फुलेस्ट जी पाओगे, मतलब कि जितना, जैसे टाइम स्पैन मान लीजिए, कोई व्यक्ति अगर 30 साल जीता है तो उस 30 साल में वो 100 साल का जीवन जी जाता है, इतना तरीके से जीता है। अपने आप को जानिए, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को जानिए और परमात्मा को पहचानिए, हर चीज़ में पहचानिए। धन्यवाद।